खबरें वही जो दिखे सही। नमस्कार, मैं हूं गोविंदा गोला, 24 टाइम में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज के खास खबरें। अंदर 131 सीटों में जिन्होंने घोषणा की उनमें एक भी कैंडिडेट मोमडन नहीं है, वाई वसुंधरा जी को कोई नाराजगी हो सकती है, बीजेपी से किसी को नाराजगी नहीं है। नमस्कार, 24 टाइम्स के सारे दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र में। और बिलाड़ा विधानसभा में हम हाजिर हुए हैं बिलाड़ा के जनता से इस बार जो आने वाले आगामी चुनाव हैं उनकी राय जानने के लिए। मेरे साथ यहां पर काफी सारे लोग जुड़ चुके हैं और आप देख रहे हैं 24 टाइम्स का ये स्पेशल प्रोग्राम जो इसी राजस्थान विधानसभा चुनाव के अंतर्गत बनाया गया है। तो शुरू करते हैं, लोगों से राय जानते हैं। तो आपका क्या राय है इस बार? इस बार कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस ने पूर्व में पहले भी काम किया, बीजेपी आने के बाद कोई काम नहीं किया। उन्होंने कई वादे किए, आज तक पानी का उद्घाटन किया टंकी का, और पानी मीठा पानी जनता को नहीं मिल रहा है, पर कोई काम हमारे यहाँ गांव में बिलाड़ा में कुछ नहीं हुआ। तो बिलाड़ा के अंदर ये जो विधानसभा क्षेत्र, इसकी मुख्य समस्या क्या है यहाँ की? मुख्य समस्या यहाँ पर एक तो चिकित्सा और पानी की समस्या है सबसे मुख्य। पानी जो आना चाहिए आज से 5 साल पहले, वो अभी तक नहीं आया। अभी पहले जो रेगुलर प्रतिदिन मिलता था, चाहे खारा मिलता चाहे कैसे मिलता था, आज अगर 2 दिन से मिल रहा है, मीठा पानी नहीं है, वो भी खारा पानी दे रहे हैं। चिकित्सा के अंदर अपने बजट के अंदर तो 8 करोड़ रुपये दिए भाई कि ये ट्रॉमा सेंटर बनेगा, परंतु जनता ने 4 करोड़ रुपये लगा करके और बनाया, उसमें भी अभी तक न तो डॉक्टर है न कोई पूरी सुविधा है। मशीनों का वादा किया था, हम 3 दिन से मशीनें लेके आएंगे, लेकिन अभी खाली सरंग में कोई मशीनें नहीं है ना कोई डॉक्टर है। ये हमारे बोल रहे थे 20 डॉक्टर है, अभी रेफर पहले ही था और अभी रेफर कर रहे हैं उसको। प्रदेश में जो भाजपा की सरकार थी, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यों से आप लोग कितने खुश हैं? भाजपा की सरकार थी, भाजपा के यहाँ विधायक थे, तो उससे आप कितने खुश हैं? मैडम ने वादे बहुत किए कि मैं 15 लाख नौकरियां दूंगी लोगों को, मतलब कई तरह की सुविधाएं चिकित्सा में है, शिक्षा में है, पर तो उसके कोई अभी तक पूरा नहीं हुआ। नौकरियों के अंदर 1 लाख और करीब 5 या 7 हज़ार लोग लगे, अभी तक ये 26 हज़ार की जो थर्ड ग्रेड की जो फर्स्ट लेवल की है उसके अंदर कोर्ट में अटका दिया, अभी तक वो उसका पूरा नहीं हुआ। और कई ऐसे है जो कार्य अभी तक पिछले पूरे नहीं हुए, वादे किए पर तो वादों को उन्होंने पूरा नहीं किया। जो पिछली भर्तियाँ थी लगभग 50 हज़ार के आसपास, वो अशोक जी सरकार की दी हुई देन थी और उन्हीं देन को उन्होंने वापस अपना नाम देकर उन्होंने अपने गढ़ के अंदर विस्थापित किया है। और एक सबसे बड़ा मुद्दा मेरे लिए ये है कि यहाँ बिलाड़ा से SC प्रकोष्ठ है। जब अशोक गहलोत जी थे तब उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया था, उसके बावजूद जो अर्जुन लाल जी गर्ग है, SC प्रकोष्ठ 2 अप्रैल को जो ये लफड़ा हुआ था उसके अंदर जो अर्जुन लाल जी गर्ग है, एक भी बंदे के साथ शेड्यूल कास्ट जो बंदा है, जिस पद के लिए वो लड़ रहे हैं, जिसके लिए MLA बने हैं, उसके बावजूद वह एक भी SC प्रकोष्ठ के कोई भी बंदे के साथ उन्होंने सपोर्ट का कार्य नहीं किया, तो फिर हम SC प्रकोष्ठ के बंदे उनको क्यों सपोर्ट करें? तो आप लोग कहना चाहते हैं कि ये जो सरकार के खिलाफ में नहीं गए हैं अर्जुन लाल जी, वो गलत किया उन्होंने? हाँ, उन्होंने गलती किया होगा क्योंकि उनको पता है कि ये जब गढ़ है उन्होंने लगातार उन्हें दिया गया है, उसके बावजूद अगर वो अगर पब्लिक का सपोर्ट नहीं करेंगे, ये तो अच्छी बात हुई ना, वोट के लिए वो सरकार के खिलाफ नहीं गए, वोट के लिए नहीं गया, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, क्योंकि लाल बत्ती तो चली गई थी, लेकिन अब सोचे कि हमें विधानसभा में कोई टिकट भी नहीं दे, इस वजह से उन्होंने ऐसा काम किया है। चलिए, तो फिर आप लोग सारा के सारा हीरालाल जी मेघवाल को प्रत्याशी कांग्रेस का मान रहे हैं? हाँ सर, हम हीरालाल जी मेघवाल को हम आपके प्रदेश बनाएंगे और उनको जिताएंगे। अभी तीसरा मोर्चा भी बहुत उठ के आ रहा है हमारे राजस्थान की जनता के बीच में, तो तीसरा मोर्चा में भी जैसे हनुमान जी बेनीवाल है, उन्होंने भी एक हर जगह से चुनाव लड़ने की घोषणा की है, और उनके साथ घनश्याम जी तिवाड़ी जिन्होंने की भारत वाहिनी पार्टी गठन किया है, और बसपा भी अपने प्रत्याशियों को उतारने की तैयारी में है, तो उनके लिए यहाँ कोई चांस है? नहीं, हमारे यहाँ पर कोई चांस नहीं है। अगर बात की जाए तीसरे मोर्चे की, तो पिछली बार भी था जो किरोड़ी लाल जी मीना के सपोर्ट से हुआ था, उस समय भी लोगों ने कहा था तीसरा मोर्चा वो सपोर्ट करेगा वो करेगा, लेकिन 131 सीटों में जिन्होंने घोषणाएं की उनमें एक भी कैंडिडेट मोमडन नहीं है, वाई। तो ये जो कुछ युवा लोग भी है मेरे सामने,
तो मैं युवाओं को चाहूँगा, मैं पूछूँ जो कि नए वोटर्स हैं यहाँ पर मेरे सामने मुझे नज़र आ रहे हैं, तो उनकी क्या राय है? सर हमारी राय तो ये की है कि हम सिर्फ ओनली फोर कांग्रेस को लाना चाहते हैं, ठीक है। युवाओं को आगे बढ़ाने में ओनली फोर सिर्फ कांग्रेस के हाथ है, पर हम चाहते हैं कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने और गरीबों का सहयोग करे। तो हमारे साथ में काफ़ी सारे युवा जुड़ चुके हैं, तो युवाओं की राय हम जानना चाहेंगे। क्या राय है आप लोगों की इस बार चुनाव को लेकर आपके बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र से? बिलाड़ा विधानसभा से जिस प्रकार पार्टी से देखा जाए, पिछले 8 वर्ष से संघर्षरत है, जिस प्रकार पिछला 8 साल से जो काम कर रहा है पार्टी, उसको प्राथमिकता दें। और यही राय है युवाओं की, कांग्रेस सरकार बहुमत से बने और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दे। तो भारतीय जनता पार्टी का इस बार यहाँ पर नुकसान नजर आ रहा है एक सीट का, इस पर आप आइए भाई। बीजेपी जीतेगी अब की बार बीजेपी जीतेगी और आगे जीती है, बहुत अच्छे काम किए उन्होंने। तो बीजेपी में जो पिछले 5 वर्षों के अंदर जो विधायक थे यहाँ और सरकार थी वसुंधरा की, आप उनसे कितने खुश हैं आप? हम तो खुश हैं उनसे, जो उनके जो काम भी अच्छी तरह से करते हैं वो, और अभी वह अच्छी तरह से काम करेंगे और अच्छा विकास होगा उनका। तो यहाँ से आपको लगता है कि बिलाड़ा से बीजेपी सीट निकालेगी, जीतेगी? अर्जुन लाल जी गर्ग से सीट निकालेंगे फिर? बिल्कुल जीतेंगे, अर्जुन लाल जी गर्ग पहले 36,000 जीते थे, अब 46,000 जीतेंगे। उन्होंने काफी सारे अंतर से वो जीते हैं, लेकिन इस बार तीसरा मोर्चा कांग्रेस और अलग एक नीति बनाकर वो जो चुनाव को लड़ने की तैयारी में है, उसके बारे में क्या ख्याल है? बीजेपी की तैयारियां कैसी है यहाँ पर? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीसरे मोर्चे से उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और बीजेपी वोट फिक्स वोट है जो सब आ जाएंगे वो तो, और अब की बार पहले 36,000 जीते जब 46,000 जीतेगा। चलिए यहाँ पर काफी सारी चर्चा हम लोगों ने की है और यहाँ पर हमें पता चल रहा है। हाँ जी, आपकी क्या राय है बिलाड़ा विधानसभा चुनाव के इस बार? टीचर हो आप? इस बार जो चुनाव जो हमारे सामने आ गए हैं, उस समय आपसे क्या राय है आपके? सर्वप्रथम तो मैं 24 टाइम इंडिया वाले को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो जनता के बीच में आके जनता के विचारों को ले रहे हैं। बिलाड़ा विधानसभा में पिछले 10 सालों से बीजेपी राज कर रही है, बीजेपी के राज में बिलाड़ा विधानसभा पिछले 50 वर्ष पीछे चले गए शिक्षा के क्षेत्र में देखे जाए तो, और इन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छे खासी तरीके से भ्रष्टाचार भी किया है। जो बाणगंगा ये नाला बनाए गए 2 करोड़ रुपये लगाए गए, उसके बारिश की एक बूंद तक नहीं गई है, और बिलाड़ा के जो स्वच्छ बना रहे गंदगी फैल रही है उनकी वजह से। और विधायक महोदय के पास मैं पूर्व छात्र संघ महासचिव गवर्नमेंट कॉलेज बिलाड़ा महाराज कुरेशी उनके पास 4 बार गया था, और उन्होंने मैंने अपनी समस्या बताई थी कॉलेज की कि हमारे कॉलेज में टीचर नहीं है, प्रिंसिपल तक नहीं है, तो उन्होंने आश्वासन देके मेरे को भेज दिया था। और मेरे सामने किरण माहेश्वरी जी उस शिक्षा मंत्री से बात की थी और उन्होंने कहा था टीचर आए, अभी तक कोई टीचर की व्यवस्था नहीं हुई है। तो चलिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन से यहाँ पर ज़्यादा कोई खुश नहीं है, और हम और पूछते हैं इनसे भी। हाँ साहब, आपकी क्या राय है इस बार बिलाड़ा विधानसभा चुनाव जो राजस्थान में है उसको लेकर? मतलब चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है इस बार, कौन सी पार्टी, कौन सा प्रत्याशी? हम बीजेपी का सपोर्ट करेंगे और अर्जुन लाल जी का सपोर्ट करेंगे। तो बिल्कुल, जो पिछले वर्ष उनका कार्यकाल और वसुंधरा जी का भी जो कार्यकाल रहा है एज ए मुख्यमंत्री, उसमें बिलाड़ा विधानसभा के लिए क्या विकास कार्य हुए, अच्छा हुआ नहीं हुआ, आप खुश हैं? हम खुश हैं, और उसने वहाँ जैसे जयपुर से लगा के अजमेर नहीं और बिलाड़ा में ट्रॉमा सेंटर खोला है, ट्रॉमा सेंटर दिया हमें, कॉलेज दी, और काम हुआ है, खूब विकास का काम खूब हो सकता है। व्यक्तिगत वसुंधरा जी को कोई नाराजगी हो सकती है, बीजेपी से किसी को नाराजगी नहीं है। और बिलाड़ा के अंदर जो अर्जुन लाल जी गर्ल्स हैं, एक एक घंटे बोलेंगे वो यहाँ पर आप चुनाव का माहौल देख सकते हैं। बीजेपी का पत्ता कट जाएगा अब की बार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जय चुनावी माहौल, अपने सर चढ़कर बात कर रहा हूँ। कांग्रेस की सरकार लगता है ना, विधायक महोदय कॉलेज का विकास नहीं करा रहे, क्योंकि अशोक जी ने इस कॉलेज को बनवाया था। सिर्फ पांच के राज में किसानों ने भी बहुत आत्महत्या की है, इन्होंने किसानों के लिए भी कुछ नहीं किया है। तो चलिए, यहाँ पर तो
बहुत ही रुष्ट नारा आप देख सकते हैं यहाँ पर। एक सवाल ले लीजिए मेरा आप लोग, ये जो कांग्रेस प्रदेश के अंदर प्रदेश का जो नेतृत्व करेगा उसके अंदर भी एक अलग प्रकार की खींचतान का माहौल सामने आ रहा है, तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत साहब सभी जानते हैं मुख्यमंत्री पद के दावेदार है, मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं दोनों अपनी अपनी जगह पर दोनों, तो इन दोनों में से जनता किसे मुख्यमंत्री देखना चाह रही है? क्या नया युवा चेहरा सचिन पायलट या फिर जो आपके ट्रस्टेड आदमी है जिनको अनुभव है अशोक गहलोत? देखिए मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है वो साफ है। अभी हमारी जो कांग्रेस पार्टी है राजस्थान के अंदर, अशोक गहलोत और सचिन पायलट जी और सीपी जोशी साहब और रामेश्वर डूडी साहब चारों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। अभी हमारा जो एक ही चेहरा है वो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में प्रदेश ने तो ये इन्होंने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आंसर दे दिया है, जैसे कि राहुल गांधी जी देते आए हैं आज तक उन्होंने भी क्लियर नहीं किया, तो आप लोग किसे चाहते हैं? हम ये कह रहे हैं हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बने, किन्हें चाहते हैं किन्हें नहीं चाहते हैं। ये जवाब नहीं दे रहे हैं, ये जवाब जनता 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 किसे मुख्यमंत्री चाह रही है? चाहती है कि कांग्रेस की सरकार बने, हमारे जो मुख्यमंत्री होंगे वो राहुल गांधी जी हमको वहां से करके भेज देंगे। हम अभी एक हैं, हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं है, पूरी पार्टी एक है। हमारे बस एक ही बात है, अभी जो आपने आंसर पूछा है कि मुख्यमंत्री किसे बनाए, वो तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी फैसला करेंगे। जनता की चाहत होती है ना, पार्टी चाहेंगे जनता की चाहत होती है ना, जो भी होगा चाहे अशोक जी हो चाहे सचिन जी पायलट हो हमें मंजूर है, हमें कांग्रेस पार्टी की सरकार चाहिए। जैसे हमारे जो है सचिन जी है राहुल जी है जो भी है उनको राजस्थान की पहली सरकार बनेगी, फिर बाद में हम देखेंगे उनको कभी किसको बनाए। देखिए राजस्थान के अंदर एक मिनट, राजस्थान के अंदर माननीय वसुंधरा राजे जी ने एक वादा किया था कि प्रति वर्ष हम 2 लाख नौकरियां देंगे, मोदी जी ने कहा कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे। ये सुन सुनकर युवा बहरा हो गया और विकास तो बिल्कुल पागल ही हो गया, ये आपने गुजरात मॉडल में भी सुना होगा। तो हम लोगों को ये पता चल चुका है कि ये झूठी सरकार है, जुमला की सरकार है। और ये बिलाड़ा विधानसभा अगर लोकल स्थिति अगर देखा जाए तो हम 15 साल से कांग्रेस ही होने के कारण हम आ रहे हैं, तो कहीं हमारे अंदर भी कमी है। लेकिन अब की बार हमारे 5 साल फील्ड में काम किया है, एक एक घर गए भाई, डोर टू डोर शक्ति ऐप चलाया हमने, माई बूथ मेरा गौरव ये कार्यक्रम चलाया, इससे हमें अब की बार लगता है कि पूरे जनता ने यह मानस बनाया कि अब की बार बिलाड़ा राजस्थान की जो सरकार कांग्रेस की बन रही है उसमें बिलाड़ा अपनी भागीदारी जरूर निभाएगा और यहां से कांग्रेस का प्रत्याशी बहुत ही ज्यादा वोटों से जीत के जाएगा। युवा वर्ग हो चाहे मध्यम वर्ग हो, नोटबंदी में आप यह मार्केट अभी पीछे देख रहे हैं, नोटबंदी ने इन्होंने ऐसी हालत कर दी कि मध्यम वर्ग का पूरा धंधा चौपट हो गया पूरे तरीके से। फिर उन्होंने क्या किया, ऊपर से जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स डाला है जिससे पूरा व्यापार मंदा हो गया और आज स्थिति ऐसी हो गई है मध्यम वर्ग और किसान बिल्कुल धराशायी पे हो गया। अभी एक और मैं आपको कहना चाहता हूं कि 50,000 रुपए प्रति किसान की इन्होंने माफ किया, कुल राशि 8,000 करोड़ समथिंग बनी थी। तो धरातल पर अगर ये देखा जाए, मैं भी एक किसान हूं, मैंने भी अपनी सोसाइटी से ऋण लिया था लेकिन हमें सिर्फ 40,000 रुपए मिले थे, वापस हम भरने गए तो उन्होंने कहा आपके माफ हो गए। 4 दिन के बाद हमको वापस बुलाया कि आप अपने पैसे भर दीजिए, आपके जो ऋण माफी हुई वो खाते में आ जाएगी। हमें एक प्रमाण पत्र मिले, आज तक हम बैंकों के चक्कर काट रहे, 1 रुपया हमारे यहाँ माफी का नहीं आया है और ना ये माफ करने वाली सरकार है। इन्होंने जनता के साथ सिवाय झूठे वादे के अलावा कुछ नहीं किया है। तो मैं ये दावे के साथ और संपूर्ण कांग्रेस की तरफ से कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर अब की बार 2-3 बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि पूरा देश राजस्थान की तरफ देख रहा है और हमें 4 महीने के बाद लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, ये हमारी सोच है। हर कांग्रेस कार्यकर्ता इसके काम में आज से ही लग चुका है। चलिए बिलाड़ा के जनता की राय आपको और भी देंगे यहाँ पर, जो आपने देखा बड़ी असमंजस की स्थिति है, लेकिन कुछ प्रश्नों के उत्तर हमें मिले कुछ को नहीं मिले, हमारा काम है जो भी है स्थिति आपको उससे अवगत करवाना, आपके सामने रखना, हम सब बने रहिए हमारे साथ। चलिए आपको एक और क्षेत्र की बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र के वहां से आपको चल के देते हैं और इसी के साथ बने रहिए 24 टाइम्स के साथ। नमस्कार।
नमस्कार साथियों, हम आ चुके हैं यहाँ पर बिलाड़ा के एक और एरिया के अंदर, जहाँ पर भी चुनावी माहौल के साथ हमारे साथ काफी लोग जुड़ चुके हैं। तो चलिए, यहाँ की जो आम जनता है, जो ग्रामीण वोट बैंक है, वो क्या चाहते हैं और उनकी क्या राय है चुनाव को लेकर, हम आपको दिखाते हैं। इस बार जो रसन विधानसभा चुनाव है बिलाड़ा से, आप लोग क्या राय दे रहे हैं? हमारी ये है कि बीजेपी से हम बहुत परेशान हो गए हैं। 15 साल से नौकर आदमी हमारा कोई नहीं है, हमारे कांग्रेसी आदमी चाहिए। नौकर हीरालाल भी बहुत गटिया गटिया दे रही है और ग्रेक साहब को बोला, कोई भी सुविधा नहीं कर रहा है। अब मैं ये चाहते हैं कि नौकर में हमारा बिजेंद्र जी झाला साहब को मिले टिकट, तो वो नौकर फायदा उठा सकते हैं। और स्कूलों में कई बनना में भवन बोले हैं मेरे साहब ने, अपने अर्जुन जी गर्ग ने, वो आज तक नहीं किया है। और अपने शमशान घाट के बाउंड्री वहाँ में कई जगह बताया, वो भी आज तक नहीं हुआ है। और स्कूल में कभी पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए भी बोल रहे हैं कई बार, वो भी नहीं कर पा रहे हैं सही ढंग से। तो अगर ये विजेंद्र झाला को टिकट नहीं मिलता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो फिर आप लोगों की राय क्या रहेगी? तो हम किसी को टिकट नहीं देंगे, वोट हम कभी नहीं देंगे। हाँ, हमारे को विजेंद्र जी झाला ही चाहिए। अब की बात तो नौकर आदमी है और IAFS रिटायर्ड है और जानकार भी है और दिल्ली तक पहुँच भी है इन आदमी की। और अभी ठीक हमारे सरगर समाज का कभी नाम नहीं आता था, अभी दिल्ली तक नाम पहुँच चुका है। तो कांग्रेस तरफ से कोई फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन एक नाम हीरालाल मेघवाल बार बार हमारे सामने आ रहा है, हीरालाल जी का, तो उसके बारे में फिर आपकी क्या राय है? हीरालाल जी बिल्कुल आदमी सही है नहीं साहब, वो फोन पे इतना आश्वासन देता है कि मैं ये काम करा दूंगा, ये काम करा दूंगा, और आज तक कोई काम सही नहीं हुआ है। तो हाँ, तो आपकी क्या राय रहेगी? मेरी यही राय है अब की बार हमारे स्थानीय विधायक चाहिए विजेंद्र जी झाला साहब, और हम सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, अब की बार कांग्रेस सरकार बनाएंगे। और विजेंद्र जी झाला को टिकट नहीं मिलता तो फिर कांग्रेस के बारे में क्या रहेगी आपकी? अब कोशिश तो हमारी वही है, नहीं तो फिर निर्दलीय सीट लाएंगे, कुछ ना कुछ निर्दलीय जिता के रहेंगे हम। कांग्रेस से विरोध होगा? हाँ, कांग्रेस से विरोध होगा, क्योंकि अब की कई बार मतलब हीरालाल जी मेघवाल को टिकट मिल चुका है एक बार, अर्जुन जी अब 3-3 बार हो चुके हैं। स्थानीय विधायक चाहिए हमारे को झाला साहब। अभी क्या रहा है सर इस बार चुनाव को लेकर विधानसभा? ये कमा सेंटर मिला, ये की कैंडिडेट अच्छी का नहीं लिया है, यहाँ 10 नर्सिंग स्टाफ को लगाया गया, पर ये अर्जुन लाल जी गर्ग ने हमेशा सरगढ़ कौम SC को झूठा बताया, साला ये नहीं आना चाहिए। आज वीरेंद्र झाला है, IPS से रिटायर है, तो आज अशोक जी नहीं चाहते हैं कि वो आएंगे तो ऑफिसर बनेंगे। तो अब उनको निवेदन है अशोक जी से, हम सरगढ़ समाज पूरा एकजुट होके आपकी ये सीट निकाल के दिखाएंगे, ये वोट हम झाला साहब को देंगे। और झाला साहब को अगर टिकट कांग्रेस पार्टी नहीं देती है तो वोट फॉर झाला साहब। अगर झाला साहब को कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देती है तो फिर आपकी राय क्या है? उनके लिए हम निर्दलीय खड़ा करके जीता के बताएंगे। कांग्रेस पार्टी से बगावत नहीं करेंगे हम, उनके साथ है, कांग्रेस के साथ है हम। ये बोल रहे हैं सर अशोक जी, आप निवेदन सुनो, हम सरगढ़ समाज एक है, हमेशा आपके साथ रहे हाँ, और आज भी आपके साथ है, पर हमारे झाला साहब को टिकट दिया जाए। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि अगर कांग्रेस के अंदर भी जो आपसी जो टिकट की अभी तक घोषणा नहीं हुई है, तो उसको लेकर भी खींचतान पूरी तरह से जारी है, और जो मतदाता है उनमें भी एक रोष है, एक गुस्सा है कुछ प्रत्याशियों को लेकर, कुछ प्रत्याशियों के जो भी समर्थक है वो उनसे सहमत है, लेकिन जो दूसरी पार्टी के है या जो दूसरे प्रत्याशियों के समर्थक है वो उनसे बराबर गुस्सा नजर आ रहे हैं, क्रोधित नजर आ रहे हैं, और बिल्कुल यहाँ पर प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस की तरफ से मतभेद साफ नजर आ रहा है। इसका कितना इफेक्ट पड़ता है चुनाव पर, हम आपको जरूर बताएंगे। ये बने रहिए 24 टाइम्स के साथ। ऐसे खबरों को देखने के लिए बने रहे 24 टाइम के साथ।